ये कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, मुल्क है ये। देखिए ये अदालतें थी, मैं आया हूँ, मैंने बेल ले ली है, और बेल लेने के बाद मैं वापस जाऊंगा तो आपके ख्याल में मैं क्या करूंगा? वही काम करूंगा जो पहले कर रहा था। नई बेल मिलती मैं जेल चला जाता, ये जब मुझे निकालते मैं क्या करता? वही काम करता जो मैं पहले कर रहा था। तो इनको क्या लगता है कि मैं अपना काम छोड़ दूंगा? तो हमजा शहबाज साहब आपको लग रहा है कि पीछे जो है आपके ऊपर जो मुकदमा बनाए गए, इनको प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम उनको जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। मुझे बाकायदा पाकिस्तान के इदारों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये चोर है, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। अच्छा, इदारों ने हमें फाइलें दी कि इनको पढ़ो फाइलों को, ये चोर है, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। जब हमें पूरा यकीन आ गया कि ये चोर है, कि ये चोर है, इदारे उन्हीं को वापस ले आए, ये नहीं उनको आने दिया वापस, चले अगर न्यूट्रल भी हो गए तो उनको वापस आने दिया, और अब हमें ये दबाव डाला जाता है कि उनके खिलाफ बात भी ना करो। जी सलाम अलैकुम, मेरे साथ इमरान रियाज खान साहब मौजूद हैं। अभी हम अदालत से निकल कर आए हैं और दोनों केसेस में माशाल्लाह जमानत हो चुकी है। इमरान भाई पहले तो ये बताइएगा, ये क्या हो रहा है? आप पर मुकदमा दर्ज हो गए, अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज हो गए, साबिर शाकिर पर मुकदमा दर्ज हो गए, वो लोग जो मुहिब्बे वतन समी इब्राहिम साहब पर मुकदमा दर्ज हो गए, ये हो क्या रहा है? कौन कर रहा है ये आपके सामने है और आपको नजर आ रहा है कौन कर रहा है? वैसे जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान का भला नहीं कर रहा और ना वो अपना भला कर रहा है। यानी इससे आप लोगों को दबाएंगे, इससे आपको लगता है कि आप लोगों की आवाज़ को बंद करेंगे, इससे आप बल्कि आप लोगों को चिढ़ाएंगे और लोगों को आप मजीद जोर से बोलने की जो है वो वजह देंगे, इससे लोग मना नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप चूंकि मैं तो आपका सारा जर्नलिज्म का कैरियर मेरे सामने है, आप सियाचिन गए, आपने मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान का ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां पर अपने आर्म्ड फोर्सेस को कवरेज दी हो। फिर इमरान रियाज खान के ऊपर जब मुकदमा दर्ज होता है तो मैं ये जरूर सोचता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस को कवरेज देने वाला, आर्म्ड फोर्सेस के नैरेटिव को सपोर्ट करने वाला साफी, उसके ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज हो गया? रियासत को क्या पड़ी है? मैं कल ना अपने घर में देख रहा था जो सिवीनियर्स मुझे फौज ने दिए हुए मुख्तलिफ इलाकों में जाने पे, ना बहुत सारे हैं, यानी वो सियाचिन स्टिक है मेरे पास, उसके दोनों तरफ जो है वो AK-47 के बुलेट्स लगे हुए होते हैं, बीच में वो सियाचिन का जो उनकी अपनी गुलाब की लकड़ी है वो है, फिर उसके बाद मेरे पास बहुत सारे हैं दर्जनों की तादाद में है। तो जो आर्म फोर्सेस ने मुझे जो गिफ्ट दिए हैं, जो सिवीनियर दिए हैं, मैं कल उनको देख रहा था, मैं अपने आप से पूछ रहा था मैं गद्दार हूँ, यानी मेरा तो उनके साथ बहुत टाइम गुजरा है। अब मुझे नहीं लगता ये कोई साजिश हो सकती है, कोई ऐसा चक्कर हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे फौजी भाई मेरे लिए ये सोचते हैं। यहाँ पर भी मिसकैलकुलेशन है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे बारे में वो ये सोचते हैं, कोई भी दिल पे हाथ रखे, मुझे खुद नहीं लगता मैं गद्दार हूँ तो किसी और को क्या लगेगा। नहीं, शहबाज शरीफ की हुकूमत के आने के फौरन बाद ही इमरान रियाज खान गद्दार क्यों हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की हुकूमत। देखिए, हमजा शहबाज ने मेरा घर गिराने की कोशिश की थोड़े दिन पहले, इसी वजह से मुझे अफसोस है, मैंने बड़ा लूज वर्ड इस्तेमाल किया उनके लिए, कुकड़ी कह के मैंने बुलाया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए किया कि यार मेरा घर आप गिरा रहे हैं, मेरे बच्चे उसमें रहते हैं और मैंने हकल हाल से बनाया हुआ है, और इसने पूरी कोशिश की उसको गिराने की, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई और मैंने इस पर प्रोटेस्ट किया। अब आपका करने का ये काम तो नहीं है, कभी आप FIA के पास जाते हैं उनको कहते हैं उसको उठाओ, कभी आप पुलिस को कहते हैं कि फौजदारी मुकदमा बना दो, कभी आप दूर दराज इलाकों में मुकदमे करके मुझे उठाने के लिए घेरा डाल लेते हैं, यानी ये इससे काम चलेगा नहीं, इससे गुजार, ये कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, मुल्क है ये। देखिए, अदालतें थी, मैं आया हूँ, मैंने बेल ले ली है, और बेल लेने के बाद मैं वापस जाऊँगा तो आपके ख्याल में मैं क्या करूँगा? वही काम करूँगा जो पहले कर रहा था। नई बेल मिलती मैं जेल चला जाता, ये जब मुझे निकालते मैं क्या करता? वही काम करता जो मैं पहले कर रहा था। तो इनको क्या लगता है कि मैं अपना काम छोड़ दूंगा? तो हमजा शहबाज साहब आपको लग रहा है कि पीछे जो है आपके ऊपर जो मुकदमा बनाए गए, इनको प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम है। मैं क्योंकि इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहता हूँ और मैं एक लिमिट क्रॉस कर गया हूँ, इसलिए कि मैंने वो सारे सबूत खुद देखे हैं और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ जिस तरीके से इन्होंने एक हुकूमत को गिरा के, ये शब खून मार के इन्होंने हुकूमत बनाई है, ये वाकई में एक साजिश है। कल हमने जो पंजाब पुलिस की एफिशिएंसी देखी है उसके बारे में जरूर बताइएगा। मुकदमा आप पे दर्ज हुआ ठट्ठा के अंदर, लेकिन पंजाब पुलिस पंजाब में एक्टिव हो गई, आपके घर आए, आपके घर मेरे पास दो दिन पहले से मेरे पास ये इत्तला थी। ये वाली एफिशिएंसी पंजाब पुलिस की नवाज शरीफ साहब के केस में, सलमान शहबाज के केस में, दीगर केसेस में क्यों नजर नहीं आ रही? सर देखें, वो उधर तो बता के जाते हैं कि हम आने वाले हैं सर, तो आप तैयारी कर, वैसे बता के मुझे भी आते हैं। अच्छा, मैं आपको सीरियसली बता दूं, मुझे दो दिन पहले बता दिया था मेरे दोस्त ने कि आपको गिरफ्तार करेंगे। आपको तो जराए ने खबर दी थी ना, वो बता दिया था उन्होंने कि आपको गिरफ्तार करेंगे, मुकदमा बाद में बनाएंगे। पंजाब में पैटर्न मुख्तलिफ था क्योंकि पंजाब का सारा सिस्टम है कंप्यूटराइज, हम उसको हर घंटे के बाद चेक कर रहे थे, हर घंटे के बाद, दो घंटे के बाद चेक कर रहे थे कि मेरे पे कोई FIR तो नहीं हुई पंजाब में। यानी आपको पहले उठाना था, बाद में मुकदमा, यहाँ पे उन्होंने पहले उठाना था, फिर मुकदमा दर्ज करना था, इनको ये कहा गया था। और ये बात पाकिस्तान में मैं अकेला नहीं जानता, 3-4 सीनियर सहाफी हैं जिनको इस बात का पता है, और उन्होंने जब मैंने उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, एक से टेलीफोन पे बात हुई,
उन्होंने ये बात बताई तो मैंने कहा जी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है और ये दो दिन से ये चल रहा था कि अभी पकड़ते हैं। अच्छा, कल शाम तक मैं राजी था गिरफ्तारी पे। अच्छा, मैंने गिरफ्तारी दे, कल मुझे आरफ अमीद भट्टी साहब ने, इलियास भाई ने और कुछ हमारे लॉयर्स हैं दोस्त, अदर सदीक वगैरह और बाकी, इन्होंने कहा कि यार अभी क्योंकि लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हो गई है तो अब आप गिरफ्तारी ना दें क्योंकि ये दो चार दिन के लिए आपको गायब करेंगे, तो इस बीच में आपका बोलना जरूरी है, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, तो दैट इज वाई मैं फिर थोड़ा सा साइड पे हो गया और मैंने अभी आके बेल करवा लिया। अच्छा, कुछ दिन पहले तक वो तमाम सहाफी जिनको कहीं ना कहीं से कहा जाता था कि इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करना है, जब वो इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करना शुरू है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए जी, हमें यूटर्न हुआ कैसे इतना बड़ा? हमें इदारों ने हमें इमरान खान की सपोर्ट का या इमरान खान का कोई चक्कर नहीं है। एक्चुअली हम उनको जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। मुझे बाकायदा पाकिस्तान के इदारों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये चोर है, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। अच्छा, इदारों ने हमें फाइलें दी कि इनको पढ़ो फाइलों को, ये चोर है, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। जब हमें पूरा यकीन आ गया कि ये चोर है, कि ये चोर है, इदारे उन्हीं को वापस ले आए, ये नहीं उनको आने दिया वापस, चले अगर न्यूट्रल भी हो गए तो उनको वापस आने दिया, और अब हमें ये दबाव डाला जाता है कि उनके खिलाफ बात भी ना करो, तो ये नहीं हो सकता। अब आपको बटन से चलने वाले नहीं है कि आपने बटन ऊपर किया तो ऑफ हो गए, बटन नीचे किया तो ऑन हो गए। अब हमारे पास जब नॉलेज है, हमें पता है कि इस आदमी ने ये चोरी की हुई है, तो सवाल तो हम पूछेंगे। अच्छा, इस टाइम लग ये रहा है कि पूरी नून लीग की सोशल मीडिया कैंपेन ये है कि पता लगवाया जाए कि इमरान नवाज का घर कितने कनाल का है, वो सारा मरियम नवाज भी वो ट्वीट कर रही है, वो ट्वीट कर रही है मरियम नवाज भी, और सब लोगों की ये कोशिश है कि ये पता, इस चीज को उछाला जाए कि इमरान रियाज खान कितने बड़े घर में रहता है, तो नून लीग को मुआशियत नहीं संभालनी, इन्होंने किस चीज में लग गए हैं ये पता नहीं, इनको मेरे घर से क्या चाहिए, आ जाओ भाई मैं किराए का कोई और मकान ले लेता हूँ, वहां पे आके नून लीग अपना दफ्तर बना ले थोड़े दिन के लिए, जब तक इनका इलेक्शन कैंपेन चलती है वहां आके बना लें और देख लें मेरे घर के अंदर क्या है और कैसे वो बनाए। और मैंने हक्का लाल के पैसे कमा के एक एक रुपया घर के ऊपर लगा के और उस घर को बनाया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अच्छा तगड़ा घर है। लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला मुझे जितनी इनकम दे रहा है, मैंने उस दिन एक बात की थी कि मैं बार बार ये घर बना सकता हूँ, अल्लाह ताला का इतना फजल है, इतना उसका करम है, मालिक की बड़ी मेहरबानी है, राजिक भी अल्लाह ताला है, बेशक इज्जत भी उसके हाथ में और जिंदगी भी उसके हाथ में, ये जो मर्जी कर ले कुछ नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल ये है कि अब चूंकि लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है, दो दिन रह गए हैं और सहाफियों को भी दबाया जा रहा है, वादों को दबाया जा रहा है, इमरान खान का नैरेटिव ज्यादा मकबूल होगा इन कामों से या इमरान खान का नैरेटिव कहीं कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? देखें, ये पता चलेगा 25 तारीख की सुबह, अगर तो इमरान खान में और उसके लोगों में दम होगा तो वो मनवा लेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर ये हुकूमत और ये सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जो मोमेंटम बना हुआ है पाकिस्तान में, बहुत भारी पड़ेगा रोकने वालों, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।